कंगाल पाकिस्तान की कंगाली मिटाने अब वो देश उसका सहयोग करेगा जिसे पाक अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जी हाँ, भारत अब पाकिस्तान को रोजाना का $1,00,000 कमाने में सहयोग करेगा, यानी कि हर साल पाक की 555 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई होगी। पाकिस्तान की कमाई में भारत का क्या है रोल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया के लिए खतरा माने जाने वाले पाकिस्तान में अब कुछ नया होने वाला है। उसकी वजह है भारत। काफी समय बाद अब पाकिस्तान के हालातों में सुधार होने की संभावना है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के बाद भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब के दर्शन करने जा सकते हैं। समझौते से पाकिस्तान की हालत में सुधार होगा, क्योंकि इसे हर साल पाक को 555 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई होगी। कंगाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एक रुपए महत्व रखता है। फिर सालाना इतनी बड़ी रकम आने से पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब होने के बाद भारत के लिए हर बार जहर उगलने के बावजूद हिंदुस्तान की ओर से पाक को इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है, लेकिन अपनी कायराना हरकतों से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया। भारत बार बार पाकिस्तान के लिए नरमी बरतता है, लेकिन पाकिस्तान है कि ये साबित करने में पीछे नहीं हटता कि वो इसके काबिल नहीं है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान सभी यात्रियों से $20 सर्विस चार्ज वसूलेगा, यानी कि हर श्रद्धालु को इसके लिए करीब 1400 रुपए शुल्क देना होगा। एक दिन में 5000 तीर्थ यात्री बिना वीजा के पहुंच सकते हैं। इससे रोजाना की उसकी कमाई $1,00,000 होगी। अगर पाकिस्तानी रुपए की डॉलर से तुलना की जाए तो $1 की कीमत 155.74 रुपए है। इस हिसाब से पाकिस्तान की रोजाना 1.55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई तय है। ये कॉरिडोर साल भर और हफ्ते में 7 दिन चालू रहेगा, मतलब एक साल में उसकी कमाई $3.65 करोड़ होगी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में करीब 555 करोड़ रुपए है। ऐसे में भारत ने कई बार पाकिस्तान से शुल्क कम करने को भी कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान की ओर से चार्ज किए जा रहे इस शुल्क को जजिया करार दिया गया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान हर भारतीय श्रद्धालु से 1400 रुपए क्यों ले रहा है? उसने शुल्क कम क्यों नहीं किया? क्यों इस शुल्क को जजिया कहा जा रहा है? पाकिस्तान की ओर से भारतीय श्रद्धालुओं पर लगाए जा रहे इस शुल्क ने भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे जजिया बताया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्वतंत्र देश होने के नाते पाकिस्तान के पास अधिकार है कि वह श्रद्धालुओं पर शुल्क लगा सकता है, लेकिन करतारपुर मामले में $20 शुल्क को समझौता का हिस्सा बनाया गया। इसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान यह शुल्क बढ़ाना भी चाहेगा तो उसे भारत की सहमति लेनी होगी। वहीं इस्लामी कानून के तहत जजिया एक तरह का प्रति व्यक्ति कर है। इसे एक इस्लामिक देश द्वारा गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। भारत में भी मुगल शासकों ने ही जजिया लगाना शुरू किया था। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि भारत में मुगल शासन के दौरान इसे अलग अलग समय व स्थान से हटाया भी गया। जैसे 1564 में अकबर ने राजस्थान से जजिया हटाया था और अब पाकिस्तान की ओर से फिर से जजिया लगाया गया है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में ढांचागत विकास के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहां गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को लंगर भी खिलाए जाएंगे, साथ ही ई रिक्शा फेरी सेवा भी दी जाएगी। श्रद्धालुओं से जो पैसे लिए जा रहे हैं वह बतौर सेवा शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान का मानना है कि जो शुल्क भारतीयों से वसूला जा रहा है वो शुल्क जितना खर्च किया जा रहा है उसकी तुलना में कम है। पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, उस पर लाखों करोड़ों का कर्ज है और वह दुनिया भर में कटोरा लेकर मदद की भीख मांग रहा है। ऐसे में इस समझौते से उसे आर्थिक हालत सुधारने में जरूर मदद मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, उसकी आर्थिक हालत सुधरने में पूरा श्रेय भारत को ही जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।